बट जब एंटास्टिक स्क्वाड के हालचाल मैं वापस आ गया एक और न्यू स्कारफॉल 2.0 की वीडियो लेकर। एंड स्कारफॉल 2.0 के अल्फा का रजिस्ट्रेशन प्री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। अगर अभी तक प्री रजिस्टर नहीं किया है तो फटाफट से जाके कर लो। एंड साथ ही स्कारफॉल 2.0 का ऑफिशियल डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो भी स्कारफॉल 2.0 की जो भी न्यूज़ आती है, इन्फॉर्मेशन आती है, वो सबसे पहले डिस्कॉर्ड सर्वर में ही आती है। तो फटाक से जाओ और डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करो अगर अभी तक नहीं किया है। लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड उसके बाद वहीं से आप फॉर्म वगैरह भी फिल कर सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो स्कारफॉल 2.0 के अल्फा। कस्टम वगैरह सेटिंग्स है, कस्टम हो गया, कस्टम रूम आईडी वगैरह हो गया, और जो बेसिक सेटिंग्स वगैरह होती है, सेंसिटिविटी हो गई, कंट्रोल्स हो गए, ये सब मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना। और यार तुम लोग वीडियो तो देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, करो यार फटाफट से सब्सक्राइब। 2K पे पहुंचने वाले हैं तो फटाफट से 2K सब्सक्राइब कर दो। जो ये वीडियो प्रोवाइड करी गई है वो प्रोवाइड करी गई है AVS गेमिंग YT की तरफ से, तो थैंक यू भाई वीडियो प्रोवाइड करने के लिए। एंड जो ये आप कस्टम वगैरह देखोगे, ये जो सेटिंग्स देखोगे, ये अभी फाइनल नहीं है। जब गेम आएगा तो हो सकता है कि और ज़्यादा चेंजेस के साथ आए, तो ये फाइनल मान के मत चलना। तो चलो फिर लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो पहले बात करते हैं कस्टम लॉबी की। तो जैसे कि आप देख सकते हो, इस टाइप से कुछ आपको कस्टम लॉबी देखने को मिलेगी। इस पे आपको रूम आईडी प्लस जो पासवर्ड वगैरह है वो भी आप सेट कर सकते हो। एंड नेक्स्ट अगर हम चलें तो ये हमारी सेटिंग्स में आप देख सकते हो फायर सेटिंग है, जिसमें आपको वन टैप ADS हाई फायर भी देखने को मिल जाता है। हिप फायर के अलावा ADS में अगर देखें तो इसमें आपको एम असिस्ट देखने को मिल जाएगा ऑन ऑफ करने का। डिस्प्ले लेफ्ट फायर बटन आपको देखने को मिल जाएगा। पीक में अगर हम देखें तो पीक में आपको पीक एंड फायर, पीक मोड, पीक एंड स्कोप का भी देखने को मिल रहा है, इवन क्विक स्कोप स्विच का भी देखने को मिल रहा है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको कैमरा रोटेशन व्हाइल लीनिंग भी आपको देखने को मिल रहा है। अगर कैमरा FOV पे देखें तो ये आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट पे जाएं तो क्रॉस एयर कलर आप देख सकते हो, रेड डॉट, होलो साइड, 2x, 3x, 4x, 6x, 8x, सब में आप सेट कर सकते हो अपने हिसाब से कलर जो आप चाहते हो। अगर इफ़ेक्ट्स की बात करें तो आप देख सकते हो हीट इफेक्ट आपको कुछ उसमें भी आप कलर सेलेक्ट कर सकते हो। इवन डैमेज इफेक्ट कैसे देखने को मिलेगा वो भी कलर सेट कर सकते हो आप। नेक्स्ट अगर कंट्रोल्स पे चलो तो आप देख सकते हो UI कंट्रोल्स हैं। UI कंट्रोल में हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं, तो पहले वही देखते हैं। तो कस्टमाइजेशन में अगर हम जाएं तो आप देख सकते हो इस टाइप से कुछ कस्टमाइज है, ये आपको डिफ़ॉल्ट में देखने को मिलेगा। एंड फ्री लुक ऑप्शन भी इसमें दे रखा है। इवन जो अगर आपको 6x स्कोप को 3x में कन्वर्ट करना है, तो वो जो आप राइट साइड में येलो कलर का वो देख रहे हो सेव के बगल में, उसको आप ऊपर नीचे करके उसको अपने हिसाब से 6x स्कोप को 3x में कन्वर्ट कर सकते हो। और हर एक जितने भी चीज़ें दे रखी हैं इसमें, उन सबको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। साइज़ उनका बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, इवन उसको ट्रांसपेरेंसी को भी अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें आपको डिफ़ॉल्ट में ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा, बाकी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। और अगर अपन चलें आगे तो यहीं पे सेटिंग्स में ही अगर देखें तो यहाँ पे आपको क्या क्या देखने को मिलता है। जॉयस्टिक वगैरह ऑटो स्प्रिंट देखने को मिलेगा, फिक्स जॉयस्टिक है, हाइट प्रॉन बटन है, स्कोप मोड, स्लाइड भी आपको देखने को मिल रहा है, कैमरा रोटेशन विद ADS देखने को मिल रहा है, ऑटो मार्क हिट लोकेशन भी देखने को मिल रहा है, मतलब आप मार्क वगैरह कर सकते हो लोकेशन वगैरह। अब पिकअप पे चलो तो पिकअप कॉन्फ़िगरेशन में आप देख सकते हो ऑटो पिकअप आपको देखने को मिल रहा है, स्टॉप ऑटो पिकअप व्हेन लिस्ट इज कोलैप्स्ड, ऑटो पिकअप पिस्टल्स हो गया, स्कोप वगैरह हो गया, मैग्स हो गया। और एमओ वाला है तो आप देख सकते हो बतेरी गन्स दे रखे इन्होंने, AR स्नाइपर, SMG, MG, SG और पिस्टल, और उसके हिसाब से आप वो कर सकते हो। अगर आप स्पेसिफिक यूज़ करते हो जैसे AR और साथ में SMG यूज़ करते हो, तो उस पर्टिकुलर गन के आप एमओस को सेलेक्ट कर सकते हो कि भाई बाकी जीरो कर दिए, एंड जो दो गन यूज़ करते हो उनकी पूरी फुल कर दी, तो जब भी वो एमओस दिखेंगे वो अपने आप ऑटो पिकअप होता रहेगा। और इसके अलावा अब और ज़्यादा है कस्टमाइज़ किया गया है, कस्टमाइज़ ऑटो पिकअप लिमिट मैंने बताया, लिमिट वगैरह भी आप सेट कर सकते हो कि आपको स्कोप चाहिए नहीं चाहिए, कितना स्कोप चाहिए, हॉलो चाहिए, कितना चाहिए, एक चाहिए, दो चाहिए, इस टाइप से आप कर सकते हो। के अलावा ADS की सेंसिटिविटी आप सेट कर सकते हो। इसके अगर आगे अगर चले हम सेंसिटिविटी पे, तो सेंसिटिविटी आप गायरो और नॉन गायरो दोनों प्लेयर जो है अपने हिसाब से सेंसिटिविटी सेटिंग को सेट कर सकते हैं। मैं तो नॉन गायरो हूँ, बट गायरो डेफिनेटली ट्राई करूँगा, वो मैं हर बार बोलता हूँ बट नहीं कर पाता, बट करेंगे चलो। तो मैं तो नॉन गायरो के हिसाब से ही खेलूंगा, बट अगर आप गायरो हो तो आप अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हो। वैसे ऑलरेडी ABS भाई ने सेट कर रखी है गायरो की, क्योंकि वो गायरो खेलते हैं तो उन्होंने सेट कर रखी है, आपको डिफ़ॉल्ट में वही देखने को मिलेगी जो उन्होंने सेट करके, बाकी आप अपने हिसाब से कर सकते हो। इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा गायरोस्कोप की सेंसिटिविटी एंड ऑल।
एंड अब ग्राफिक सेटिंग में देखोगे तो ग्राफिक सेटिंग में आपको देखने को मिलेगा हाई वगैरह, हाई भी इसमें ऐड किया गया है, नया ऐड किया गया है इसमें। तो ग्राफिक में आपको ग्राफिक बढ़ा दिया गया है एंड फ्रेम रेट अब 60 FPS तक का आपको देखने को मिलने वाला है। तो बट अगेन वही है कि अगर आपके पास हाई एंड डिवाइस है तो तभी आपको देखने को मिलेगा, अदरवाइज लो में भी आप स्मूथ में भी मतलब लो में भी अच्छा स्मूथ खेल सकते हो आप। इसके बाद आगे चलें तो आप देख सकते हो यहाँ पे फ्रेंड इनवाइट का जो हमारी स्कारफॉल द रॉयल कॉम्बैट जो पहला वर्जन था उसमें मिसिंग था वो इस वाले उसमें ऐड किया गया है। तो इस टाइप से आपको कुछ फ्रेंड्स लॉबी या फ्रेंड इनवाइट देखने को मिलेगा, आप यहाँ से इनवाइट कर सकते हो, आप प्लस का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको। इवन आप अगर बंदे के साथ खेल रहे हो, फ्रेंड के साथ खेल रहे हो, तो आप डायरेक्ट वहीं से आपने गेम खेला तो उसी से आप अपने फ्रेंड को भी इन्वाइट कर सकते हो वहीं से भी। तो एक ये चीज़ नहीं ऐड करिए। तो यही सब था यार जो जो नई ऐड करी है, एंड और भी कुछ नई चीज़ें आपके लिए लेके आऊँगा मैं जल्द ही, और भी जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, जैसे जैसे वीडियो आती है तो आपको और भी ज़्यादा वीडियोस देखने को मिलेंगे। इसलिए अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, 2K होने वाले हैं सब्सक्राइब, तो फटाफट से कर दो यार। तुम लोग वीडियो देखते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते तो कर दो भाई लोगों, 2K स्क्वाड जल्दी से हमारी एंटास्टिक स्क्वाड को और ज़्यादा एंटास्टिक फैंटास्टिक बना दो 2K पे पहुँचा के, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को शेयर भी कर देना और वीडियो को भी शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। और एक बार और बोल रहा हूँ, अगर अभी तक तुमने कारफॉल 2.0 के अल्फा का रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो फटाफट से जाओ करो, और डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन नहीं किया है सेफ 2.0 का ऑफिशियल वाला तो फटाक से जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाओ, वहीं से तुम लोग फॉर्म भी आराम से फिल कर सकते हो। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी, और यार आप लोग कमेंट में बताओ कि भाई कैसा लगा आपको ये जो सेटिंग्स हैं वो कैसी लगी। और चलो फिर आज के लिए पसंद आई, कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट, you are fantastic and I am super fantastic.